हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूटर टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करने वाले हैं क्लास प्लस वन के फाइनल अकाउंट का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट खत्म होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक नहीं खत्म होने वाला, आपका एक चैप्टर खत्म होने वाला है जिसका नाम था फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आपका हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पार्ट सेकंड है, जिसका नाम होता है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। सो आने वाली वीडियोस में हम सारी की सारी जो एडजस्टमेंट कवर होने वाली है नेक्स्ट चैप्टर में, उसको वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, इसके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मीनिंग वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसकी नीड सारा कुछ कवर किया है। सो आप जरूर देखिए वो वीडियो को भी, और आने वाली वीडियोस को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल को प्रेस कर दें। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बैलेंस शीट का मीनिंग, इसके फीचर, इसकी नीड, इसका फॉर्मेट, कितनी टाइप का फॉर्मेट बना सकते हो, कैसे कैसे बना सकते हो, वो सारा कुछ। और एंड में एज यूजुअल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, जिसके साथ आपका पूरा बैलेंस शीट का टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा आपको और कवर होने वाला है। ठीक है, सो एग्जाम्पल तो हमने करनी है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज बैलेंस शीट या फिर मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जो शो करती है बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज या फिर कैपिटल, तीनों चीजों को शो करती है, जिससे क्या पता चलता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन, कि बिजनेस फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है या फिर वीक है। ठीक है, इन शॉर्ट बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन करती है, शो करती है, डिस्क्राइब करती है। ओके, ये हमारा कोई लेजर अकाउंट नहीं होता, ये सिंपल एक स्टेटमेंट होती है। इसमें हम जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, जो कैपिटल अकाउंट है, उसको ही लिखते हैं और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा कोई अकाउंट नहीं होता, ये ध्यान में रखना बात में। सो इसमें क्या जाएगा आपके पास, इसमें जाएगा लिस्ट ऑफ बैलेंसेस जाएंगी, सारे बैलेंसेज अकाउंट के जाएंगे, वो एसेट से रिलेटेड बैलेंसेज हो, लायबिलिटी से रिलेटेड हो अकाउंट के बैलेंसेज, और कैपिटल का अकाउंट जो है टोटल वो जाने वाला है ओनली। ठीक है, एक्सपेंसेस जो थे हमारे दोनों प्रकार के, वो हम ऊपर डील कर चुके हैं ऑलरेडी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इनकम्स को भी, जहां पर हम ओनली नेट प्रॉफिट जो है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, जो ऊपर से निकल के निचोड़ हमने निकाला है वो बैलेंस शीट में आएगा, और बाकी हम एसेट्स लायबिलिटीज का मेन फोकस रखेंगे। ओके, बैलेंस शीट में एसेट्स की वो वैल्यू शो की जाती है जो हम मार्केट से रियलाइज कर सकते हैं। मीन्स आपके पास अगर एसेट आपने 1 लाख का खरीदा था, उससे आप डेप्रिशन साल बाद साल चार्ज करते रहिए, 5 साल हो गए आपके एसेट आपके पास, तो 5 साल की डेप्रिशन चार्ज करने के बाद आज की बुक वैल्यू जो है 5 लाख है। अगर आप 5 लाख का वो एसेट बेचोगे तो आपको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा का बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर उससे कम का बेचोगे तो लॉस होगा। आपको मालूम चल जाएगा कि मेरे एसेट की वैल्यू इतनी है, मैं इससे ज्यादा बेचूंगा तो मुझे फायदा है, अगर मैं इससे कम बेचता हूं, अगर ये खराब है, कम भी बिक रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, तो बेचना तो है ही। ठीक है, ऐसे ही लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज की वैल्यू भी वो पे करते हैं हम जो हमने पे करनी होती है, मींस वो हम शो करेंगे बैलेंस शीट में जो पे करनी होती, ना कि जो कर दी है वो भी टोटल लगा के यहां पर लिखना है, जो ऑलरेडी पेड है माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है उसको शो करते हैं। ओके, थर्ड आइटम है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल मींस जो ओनर इन्वेस्ट किया है हमारे बिजनेस में, ठीक है, ओनर ने कुछ भी इन्वेस्ट किया हुआ है वो सारा क्या है, कैपिटल में जाएगा। अगर ओनर 5 साल से प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो भी कैपिटल में ही जाएगा, क्योंकि आप बना रहे हो सोल प्रोप्राइटरशिप, लॉस इनकर हो रहा है वो कैपिटल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो प्रॉफिट कैपिटल में एड हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सी इक्वेशन बनानी है हमने, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पहले की है वो ही है, जे एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दोनों चीजों को प्लस करने के बाद हम एसेट के इक्वल करना है, मीन्स दो साइड होगी बैलेंस शीट की, दोनों साइड आपस में टैली होगी। ओके, अब आगे हम इसकी फीचर समझ लेते हैं बैलेंस शीट की, क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहली फीचर है बैलेंस शीट जो प्रिपेयर होती है एंड ऑफ द ईयर होती है, और एक लास्ट अकाउंट है फाइनल अकाउंट में, ये लास्ट में स्टेटमेंट बनाई जाती है। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है नेट प्रॉफिट के लिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट।
और बैलेंस शीट की सबसे बड़ी फीचर तो यही है कि जो हमारी सॉल्वेंसी को जजमेंट करने के लिए हमें हमारी हेल्प करती है कि हम जज कर सकते हैं कि कंपनी सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मींस है कि कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं कि वो अपने लायबिलिटी को पे कर सकती है जितनी भी उसकी लायबिलिटीज है। नेक्स्ट है, इट्स अ ओनली स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स कैपिटल एंड लायबिलिटीज। स्टेटमेंट है एक जिसमें हम एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के अमाउंट्स को लिखते हैं, यहां पर पोस्टिंग वगैरह नहीं होती, ये है स्टेटमेंट। फोर्थ फीचर आप ये भी लिख सकते हो, इट इज नॉट अकाउंट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। ये कोई अकाउंट नहीं है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, ये सिंपल क्या है, स्टेटमेंट। लेकिन इस स्टेटमेंट की भी दो साइड्स होती हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हम ये बना लेते हैं, बैलेंस शीट हैज टू साइड्स, दो साइड्स होती हैं। एक होती है लेफ्ट साइड जिसमें हम लायबिलिटीज डालते हैं, एक होती है राइट साइड जिसमें हम एसेट्स डालते हैं। कैपिटल भी हम लायबिलिटी साइड ही डालेंगे क्योंकि वो ऑनर का पैसा है, बिजनेस ने ऑनर को रिटर्न करना होता है जब भी उसको नीड हो। ओके, सिक्स्थ फीचर है हमारी कि द टोटल ऑफ बोथ साइड ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। मतलब जे आप भूल ही जाओ कि आप डिफरेंस इसमें निकाल सकते हो, इसमें ऑलवेज इक्वल रहना है आपका, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अब देखिए मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूं, आपने एसेट्स जो होते हैं वो आप बिजनेस में यूज करते हैं, जो चीजें जिससे आप इनकम जनरेट करते हैं वो होती हैं, लाइबिलिटीज जहां से आप पैसा लेते हो वो एसेट खरीदने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपके पास पैसा आएगा तभी आप ऐसे खरीद पाओगे। पैसा आपके पास आने के दो तरीके हैं, या तो वो लायबिलिटी से आएगा मींस आप लोन लोगे, या फिर कैपिटल से आएगा मींस ऑनर इन्वेस्ट करेगा। अगर ऑनर बिजनेस में 10 लाख लगा रहा है तो आप वो कैश थोड़ी ना रखोगे 10 लाख, आपके पास एसेट आ गया का कौन सा, कैश 10 लाख, वो 10 लाख तो ना रहने वाला। 10 लाख का आपने एक शॉप खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, सारा कुछ खरीद लिया, वो एसेट आ गए ना, वो सारे पैसे यूज हो गए, मींस ऑनर ने पैसे लगाए, लेकिन आपका जो स्टॉक वगैरह रह गया आपने उसके लिए बैंक के लोन ले लिया, तो वो आपकी लायबिलिटी बन गई 10 लाख की। पैसे आपको आए हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ आपने लगा दिए, डबल एंट्री हो गया ना जी, एक तरफ से आए हैं दूसरी तरफ आपने लगाए हैं, आपने जो दिखा दिया जी हमारे सोर्स है इनकम के, जे हमारी एप्लीकेशन है जहां पर हम लगा दिए हैं पैसे जी। सो इसलिए जे ऑलवेज इक्वल रहता है, जे ध्यान में रखना, इसमें डिफरेंस कभी नहीं आने वाला। सेवंथ फीचर है कि इट हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एक कंसेप्ट हमने पढ़ाए हुए हैं गोइंग कंसर्न, आप पिछली वीडियो चेक कर सकते हो। जो अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसमें क्या है, जो प्रिंसिपल बोला जाता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, मींस बिजनेस लॉन्ग रन के लिए चलाना है हमने। बिजनेस ओनर कभी भी ये नहीं सोचता कि मैंने एक दिन के लिए काम करना है, जो लंबे समय लिए काम करना है, जो ऐसे करने के लिए जो हमारी बैलेंस शीट है हमें हेल्प करती है, हम सारे एसेट उसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम आगे क्या फ्यूचर में लेने वाले हैं, क्या फ्यूचर में देने वाले लोगों को। ठीक है, एट्थ फीचर है हमारी की जो डिस्क्लोज करती है फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। मीन्स सबसे बेस्ट इसकी जो फीचर है यही है कि बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है ऑनर को, इन्वेस्टर को, क्रेडिटर को, डेटर को, सबको ये क्या दिखाती है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है जो भी यूजर हो इसकी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि द एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। ये भी आप फीचर में लिख लो कि बैलेंस शीट में एक्सपेंस इनकम के खाते नहीं जाने वाले। 5 तरह के खाते हमारे पास होते हैं, 3 तरह के इसमें जाएंगे, 2 तरह के ऊपर आप ट्रीट कर रहे हो। एक्सपेंसेस और लॉसेस आर सेम थिंग, इनकम एंड गेन्स आर सेम थिंग। ओके, सो ये दोनों एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आप ट्रीट करोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एसेट कैपिटल लायबिलिटी आप ट्रीट करोगे बैलेंस शीट में। आगे हम पढ़ते हैं नीड फॉर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमने बनानी क्यों है, थ्योरी का पोर्शन में आपको कवर करना हूँ, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको देख लीजिए, आपके क्वेश्चन छोटे छोटे आ सकते हैं। आप अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन आपको आ जाता है थ्योरी का तो आप ये चीजें उसमें लिख सकते हो। सबसे पहली नीड है हमारे पास कि शो द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर ही नहीं करेंगे तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता लग सकती बिजनेस की, कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पास कितनी लायबिलिटीज है, कितने एसेट्स हैं, हम कितने देनदार हैं लोगों के,
वो फाइनेंशियल पोजीशन हमें नहीं पता चलेगी। सो इसलिए हमें बैलेंस शीट की नीड होती है कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके अपने बिजनेस की सबसे पहले तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज, मतलब जो भी रिलेटेड पार्टीज है उनको नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो बैलेंस शीट में क्या है, जैसे रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी होती है हमारी बैलेंस शीट की, ऑनर हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, क्रेडिटर हो गए, हमारे एम्प्लॉयज ही हो गए। एम्प्लॉयज भी सिक्योर होकर देखते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या ब्राइट है यहाँ पर। अगर हमारी कंपनी लॉस में ही चल रही है तो एक ना एक दिन तो बंद होने वाली है। तो ऐसे ही है, वो सारा कुछ हर एक बंदा अपना फ्यूचर देख के चलता है। तो ये रिलेटेड पार्टीज के लिए भी इंफॉर्मेटिव होती है। उसके बाद ये ग्रोथ रेट बताती है बिजनेस का कितना ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट बिजनेस का देखने के लिए नीड है हमारे पास बैलेंस शीट की। हमारे साथ पास पिछले साल एसेट्स से टोटल 1 करोड़ के, इस साल हो गए 1.5 करोड़ के, हमने क्या किया बिजनेस को ग्रो किया है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास रिफ्लेक्ट द आउटकम्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। जो हमने पैसा लगाया है, मीन्स कैपिटल लगी है, और जो हमने लोन लिया, फाइनेंस करवाया, जो डिसीजन लिए उसके रिगार्डिंग, उसकी आउटकम क्या आई, वो हमारे पास क्या प्रॉफिट लेके आया, वो हमें कुछ मिला भी है कि हमने वो गलत डिसीजन ले लिए। लास्ट नीड है हमारे पास फिफ्थ, टू नो द क्लेम ऑफ द एन ऑनर एंड अदर इन द बिजनेस, मींस ऑनर और बिजनेस में अदर लोगों का क्लेम कितना है। मींस ऑनर की कैपिटल 10 लाख है और लायबिलिटी हमारी 60 लाख है। तो ऐसे जो कैपिटल रेशियो निकलती हैं वो उससे हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस कहां पे स्टैंड कर रहा है। ओके, सो आगे हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 कैटेगरीज में और 2 टाइप्स में। सबसे पहली टाइप्स हमारे पास होती हैं कि हम बैलेंस शीट किस बेस पर उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, लिक्विडिटी बेस पर प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर परफॉर्मेंस बेस पर। एसेट की लिक्विडिटी मीन्स एसेट कितनी जल्दी लिक्विड हो सकता है, हमें कैश रूप में मिल सकता है, वो होती है लिक्विडिटी। परफॉर्मेंस मीन्स जो हाई परफॉर्मिंग एसेट है, जैसे इनकम हम हाई जनरेट कर रहे हैं, वो हमारी परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है, 2 टाइप्स हमारे हैं, दोनों टाइप्स के हम लिक्विडिटी और परफॉर्मेंस बेस पर 2 प्रकार की, दोनों टाइप्स के आगे 2 प्रकार की अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम। एक प्रेजेंटेशन होती है हॉरिजेंटल और दूसरी प्रेजेंटेशन होती है वर्टिकल। ओके, मैं टेबल समझा दिया, देखो 4 टाइप्स हो जाएंगे ऐसे। सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट को 2 तरीकों में, एक तो आ गया लिक्विडिटी, दूसरा आ गया परफॉर्मेंस। ओके, लिक्विडिटी के बेस पे भी जो प्रेजेंटेशन है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बन सकती है, और परफॉर्मेंस के बेस पे भी वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बन सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का बेस क्या है। बेस्ड ऑन लिक्विडिटी का मतलब यही है, हम वो एसेट्स और लायबिलिटीज पहले शो करेंगे जो हमें पहले लिक्विड करनी है। मीन्स जहां पर हमने, जैसे एसेट है कैश हो गया, डेटर हो गया, मीन्स करंट एसेट जिससे हमें पैसा जल्दी मिल जाना है। ओके, और करंट लायबिलिटी जिसे हमने पैसा जल्दी पे करना है वो हम ऊपर लिखेंगे, और जिसको सबसे लास्ट में पेमेंट करनी है, जहां पर जहां से हमें सबसे लास्ट में पैसा आएगा, वो हम एंड में लिखेंगे। ओके, ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन जाएगा ऑन द बेस्ड ऑफ लिक्विडिटी। अब इसकी प्रेजेंटेशन भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आगे समझाता हूं। पहले मैं आपको ये फॉर्मेट एक बना के दिखा देता हूं। सो चलिए देखते हैं फॉर्मेट ऑन द बेस्ड ऑफ लिक्विडिटी एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। 2 चीजें मैं कवर कर रहा हूं, बेस्ड ऑन लिक्विडिटी और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं। ओके, सबसे पहले आप लिखिए नेम ऑफ द बिजनेस, जो भी ऊपर है ट्विटर टिप्स, जो भी आप लिखना चाहो वो बिजनेस का नेम ऊपर लिख लीजिए, और साथ में लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31st March... यहां पर लिखेंगे एज ऑन। P&L और ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते थे फॉर द ईयर, बिकॉज वो एक साल के लिए होती है, पर्टिकुलर ईयर के लिए उसके एक्सपेंसेस वगैरह डाले जाते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31st March के, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर हो। ठीक है, हमारे इंडिया में क्या है 1 अप्रैल से 31st March, वहां से लेकर आपने जितना खर्चा किया उस पीरियड में वो डलेगा वहां पर। लेकिन बैलेंस शीट में क्या है, बैलेंस शीट में एसेट्स आने वाले हैं, और वो भी एक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं। वो एसेट्स कहां से आएंगे, वो जहां से डेट ऑफ परचेज से उनका लिया हुआ है वो सारे आएंगे बैलेंसेस यहां पर।
उसमें क्या आने वाला है, बैलेंस आने वाला है उसका पूरा बैलेंस। वो ये नहीं है कि एक साल में कितना एसेट खरीदा आपने, वो नहीं, कितना एसेट बेचा वो नहीं, जो हमारा पिछले चल रहा है एसेट्स वही एसेट हम यहां पर लिखेंगे कि अब कितना एज ऑन 31 मार्च, मतलब आज की डेट में उसका बैलेंस क्या है, आज की डेट में उसका बैलेंस क्या है, कब खरीदा कब नहीं खरीदा ये मैटर नहीं करता। चार कॉलम इसमें बनने वाले हैं, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट, ठीक है। एक साइड आपकी लेफ्ट, एक साइड राइट, लेफ्ट साइड हमारे लायबिलिटीज, राइट साइड हमारे एसेट्स। इस फॉर्म को हम कहते हैं हॉरिजेंटल फॉर्म, ठीक है। जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है आमने सामने लिखी जाती है, कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरे की लिखी जाती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, उसे हम हॉरिजेंटल फॉर्म बोलते हैं बैलेंस शीट की। अब हम जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में डालने वाले हैं वो डालेंगे द बेस्ड ऑफ लिक्विडिटी। ये कौन सा फॉर्मेट बना रहा हूं, बेस ऑफ लिक्विडिटी एंड इन हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। अब जो लायबिलिटीज है उसमें सबसे पहले कौन सी लायबिलिटी आने वाली है, करंट लायबिलिटी, जहां पर हमें पेमेंट फटाफट करनी पड़ेगी, मतलब सबसे पहले जिसको पेमेंट करनी होती है वो चीजें सबसे पहले कह लो या फिर जो शॉर्ट कह लो, करंट लायबिलिटीज ऊपर आने वाली है। अगर आपको मीनिंग नहीं क्लियर तो मैं आपको बता देता हूँ, करंट लायबिलिटीज हमारी वो लायबिलिटीज होती है जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, जो जिसका पीरियड 1 ईयर से कम होता है वो हमारी सारी करंट लायबिलिटीज होती है, जो हमने जल्दी जल्दी पे करनी होती है। ओके, करंट लायबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ट्रेड क्रेडिटर, जिससे हमने उधार पे सामान खरीदा, बिल्स पेबल, जिससे हमने उधार पे सामान खरीदा था उसको हमने बीपी दे दिया, उसका बीआर बन गया, ठीक है। एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे खर्चे हैं आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं वो पे तो करने पड़ेंगे, एक मंथ दो मंथ जितने भी। एडवांस एंड अर्न अर्न्ड इनकम, हमारे कोई एडवांस है या फिर कोई इनकम अर्न ही नहीं की अभी तक लेकिन हमें मिल गई है, वो कल को हमें देनी भी पड़ सकती है अगर वो हम इनकम जनरेट नहीं कर पाते तो। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन, जो 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के लिए हमने बैंक से लोन ले लिया उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन। ये हमारी एग्जांपल होगी करंट लायबिलिटी की। ऐसे ही हम नॉन करंट लायबिलिटी उसके बाद लिखेंगे हेड और बीच में लिख देंगे हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन, वो बैंक से हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो सकता है या फिर अदर किसी भी बंदे से हो सकता है पर्सनल, लेकिन उसकी टर्म जो है वो 1 ईयर से प्लस होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन होना चाहिए, उसको हम नॉन करंट लोन मानते हैं। ओके, दूसरा होता है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स भी हमारे टाइप ऑफ लोन्स होता है, इसको भी हम मार्केट में शेयर के तरीके इशू करते हैं। मीन्स छोड़ो, मीन्स सिंपल सी बात, वो आप प्लस वन में नहीं समझोगे, प्लस टू में आपको डिवेंचर का चैप्टर आने वाला है, उसमें आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। जहां पर सिंपल सी बात नोट कर लीजिए, डिवेंचर्स आपका लोन होता है, आपने इसको बैलेंस शीट में डालना है अगर आपको क्वेश्चन में आ रहा है, वो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के हेड के अंदर। और लास्ट में आपके पास आ जाएगी क्या, कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल में आप कुछ चीजें ऐड करोगे कुछ चीजें लेस करेंगे, वो कौन कौन सी ऐड करनी है। सबसे पहले आप ऐड करोगे नेट प्रॉफिट, जो P&L से निकल कर आया, वो ऑनर का होता है, कमाई जितनी की बिजनेस ने वो ऑनर को ही देनी है, ठीक है, वो ऐड करना है कैपिटल में। और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पे कर रहा है उसको भी ऐड करना है। ओके, और उसके बाद लेस करना है ड्राइंग्स, अगर कोई ड्राइंग की हुई है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया बिजनेस ने ड्राइंग पर, वो भी कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं निकल रहा, नेट लॉस निकल रहा है, तो नेट लॉस हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। जो अमाउंट निकल के आएगा वो हम अमाउंट कॉलम में डाल देंगे सब्ट्रैक्ट माइनस करने के बाद। ओके, सेम वे हमारी एसेट साइड बनने वाली है। एसेट साइड हमारी है करंट एसेट्स आएंगे सबसे पहले, और दूसरे हमारे होते हैं नॉन करंट या फिर फिक्स्ड एसेट्स। दो टाइप्स हैं दोनों, पहले करंट फिर बाद में नॉन करंट। ओके, करंट एसेट्स हमारे वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जिनका पीरियड 1 ईयर से कम का होता है, ठीक है, वो सारे एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर मेच्योर होने वाले, जिससे हमें 1 साल के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कैश इन हैंड, फिर आ जाएगा कैश एट बैंक, फिर आ जाएगी इन्वेंट्री मीन स्टॉक, जो हमारे पास गुड्स पड़ी हुई हैं, फिर बिल्स पेबल, जिससे हमें उधार पे किसी को सामान बेचा उसने हमें बिल्स पेबल दे दिया, फिर आ जाएगा सन्ड्री डेटर, जिसको हमें उधार पे गुड्स बेची हुई हैं, फिर आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर हमने कोई खर्चा पहले ही किया हुआ है, अभी तक खर्चा हुआ नहीं है लेकिन पेमेंट उसकी कर दी है, फिर आ जाएगा अक्रूड इनकम मीन्स इनकम अर्न कर ली है लेकिन हमें पैसा अभी तक नहीं मिला, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, बिल्डिंग लैंड प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्स्चर, ठीक है, उसके बाद आप लिख लो
गुडविल, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स हो जाएंगे, इनको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब जो दोनों एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड, दोनों साइड का टोटल जो अमाउंट का आएगा वो ऑलवेज इक्वल रहने वाला है। ओके, अगर इक्वल है तो आपकी बैलेंस शीट ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो आपने कोई ना कोई गलती की है, आपने कोई अमाउंट एक्स्ट्रा डाला है या फिर कोई अमाउंट डाला नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो। ओके, अब हम अगला फॉर्मेट समझ लेते हैं। इसी बैलेंस शीट को हम ऊपर नीचे कर देते हैं सिंपली। जे हमारी बैलेंस शीट क्या थी, जे हमारी बैलेंस शीट थी लिक्विडिटी बेस, लेकिन वर्टिकल हॉरिजेंटल फॉर्म में, ठीक है। अब हम करेंगे लिक्विडिटी बेस वर्टिकल फॉर्म में, मींस ऊपर आ जाएंगे लाइबिलिटी, नीचे आ जाएंगे एसेट्स, आमो सामने नहीं आने वाले। ओके, इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में चार कॉलम ही होंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम होगा नोट, मींस नोट नंबर, जो भी नोट हमने लगाए हुए हैं बैलेंस शीट के साथ उस जहां पर नोट नंबर आ जाएगा। तीसरा कॉलम आएगा करंट ईयर का, चौथा कॉलम आएगा प्रीवियस ईयर का, मींस 2 साल की बैलेंस शीट हम इसमें प्रिपेयर करने वाले हैं। अगर है आपके पास इंफॉर्मेशन तो ठीक है, नहीं तो आप 1 साल की प्रिपेयर भी कर सकते हो। अब हम इसको लिक्विडिटी बेस करेंगे। जैसे हमने वहां पर लिखा था, सबसे पहले हमारे पास लाइबिलिटीज आने वाली हैं। एक नंबर आप लिखिए जहां पर लाइबिलिटीज पहले लिखी है, उसके नीचे लिख दीजिए सबसे पहली लाइबिलिटी हमारी करंट एसेट्स, उसका टोटल, फिर आ जाएगी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी, उसका टोटल, फिर आ जाएंगे हमारे ओनर इक्विटी मीन्स कैपिटल और उसका टोटल, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज का। 3 टोटल लगाओगे आप, उसके बाद लाइबिलिटीज का भी टोटल लगाओगे इसमें। ओके, लिखनी वही है सारे जो हमने ऊपर लिखे थे। करंट लाइबिलिटीज भी वही है, नॉन करंट लाइबिलिटीज वो बहुत चेंज होने वाली नहीं है, कैपिटल भी वैसे ही कैलकुलेट होनी है, बस फॉर्म ही हमने चेंज किया है। ओके, प्रेजेंटेशन सेकंड नंबर डाल के आप लिखोगे। फिर एसेट्स, एसेट्स भी ऐसे लिखने हैं, सबसे पहले करंट एसेट्स सारे के सारे जो अपने ऊपर लिखे हैं, उसके बाद इसका टोटल लगाएंगे, टोटल करंट एसेट्स हमारे इतने आ गए। फिर लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे हम यहां पर लिख देंगे, उसके बाद हम उसका टोटल लगाएंगे नॉन करंट एसेट्स का। फिर करंट एसेट और नॉन करंट एसेट दोनों का टोटल लगाएंगे तो हमारा लायबिलिटी के साथ टोटल टैली होना चाहिए। ये हमारा टोटल आपस में इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो बैलेंस शीट है वो करेक्ट है। वो एग्जैक्ट फॉर्मेट आपको प्लस 2 में आने वाला है, बहुत ही ब्रीफ आएगा वो, जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंपनी का अकाउंट में बनता है। यहाँ पर आपने सिंपल जो बैलेंस शीट बनानी है वो हॉरिजेंटल फॉर्म में बनानी है। जे मैं जस्ट फॉर नॉलेज आपको बता रहा हूँ, जो आप नेक्स्ट ईयर में आप बनाने वाले हो, ठीक है। इसको बस मैंने फटाफट इसलिए समझा दिया क्योंकि जो आप यहाँ पर नहीं बनाने वाले, आप नेक्स्ट ईयर में बनाने वाले हो। ओके, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, मींस परफॉर्मेंस के बेस पे हम जो बैलेंस शीट है उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज को सॉर्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, फॉर्मेट में कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन जो एसेट्स हैं पहले कौन से लिखने हैं बाद में कौन से लिखने हैं उस पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए लाइबिलिटी साइड सबसे पहले जहां पर कैपिटल आएगी, जो सबसे एंड पे थी अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी, जो बेस ऑफ लिक्विडिटी हमने बैलेंस शीट पहले समझी है उसके जो ओपोजिट बन जाएगी। अब परफॉर्मेंस बेस है, सबसे ऊपर आएगी हमारे पास कैपिटल, उसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस करेंगे ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट लॉस, नेट निकाल के अमाउंट बाहर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आने वाला है नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर वगैरह, जो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो भी है हमारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आएंगे। उसके बाद हमारा आएगा करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस एंड अनर इनकम्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, जो हमने पहले पढ़े ही हैं, बस ये ओपोजिट कर दिए हमने। ओके, ऐसे ही एसेट्स भी ऑपोजिट हो जाएंगे। एसेट साइड हमारे सबसे पहले आएंगे फिक्स एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स्चर, गुडविल। उसके बाद आने वाले हैं हमारे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का ऑर्डर भी सॉर्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएगी इन्वेंट्री, फिर बिल्स पेबल, सन्डरी डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसिस, अक्रूड इनकम, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। वैसे आपको +2 में इतना अच्छे तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप वैसे भी एसेट साइड एसेट लिख देते हो सारे और लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी एंड कैपिटल लिखते हो तो वो भी क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं करने वाला। तो ये हमारा हॉरिजेंटल फॉर्म हो गया परफॉर्मेंस बेस, इसको ही हम उठा के नीचे लिख देंगे और फॉर्मेट में डाल देंगे जो वर्टिकल वाला फॉर्मेट है हमारा। वर्टिकल वाले फॉर्मेट में ऐसे ही सारे पहले लाइबिलिटीज आ जाएंगे, कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। उसके बाद हम एसेट्स लिखेंगे, फिक्स्ड एंड नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, ठीक है। फॉर्मेट वो ही रहेगा, टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके,
जी आपका थ्योरी का क्वेश्चन कवर हो चुका है। अगर आप थ्योरी लिखने वाले हो तो जी आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस या फिर उसकी लिटरेटी बेस जो टाइप था ना प्रेजेंटेशन के, वो लिख सकते हो आप। चलिए अब हम फटाफट से एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। लिखा है हमारे पास प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 और ब्रैकेट्स में हमारे पास लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस ओनली शोज एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंसेज, मींस इसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस के बैलेंसेज हमने डाले ही नहीं है, तो आपको इजी रहेगा जितने भी बैलेंसेज है वो ओनली एंड ओनली बैलेंस शीट में जाने वाले हैं। सो देखिए इलस्ट्रेशन में सबसे पहले हमारे पास कैपिटल दी हुई है 10 लाख, तो इसको हम लिख देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको बनाने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और परफॉर्मेंस बेस, ठीक है। सो कैपिटल का अमाउंट लिखिए लायबिलिटी साइड सबसे पहले 10 लाख रुपीज, आगे है हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्स्चर 1 लाख के डेबिट बैलेंस है, ये हमारा एसेट साइड जाएगा। सो फिक्स्ड एसेट के नीचे आ जाएंगे, फर्नीचर एंड फिक्स्चर कितना आ गया 1 लाख। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, इसको भी लिख दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, एसेट साइड आ जाएगा। ओके नेक्स्ट है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर 70,000। सो सन्ड्री क्रेडिटर 70,000 ना थोड़ी सी जगह छोड़कर फिर नीचे लिख देते हैं हम सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि हमने वहां पर कैपिटल में प्रॉफिट वगैरह भी ऐड करना है, ड्राइंग वगैरह लेस करनी है और नॉन करंट लायबिलिटी भी हमने लिखनी है बीच में, तो थोड़ी लाइनें छोड़कर आप लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर कितने हैं 70,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बिल रिसीवेबल 15,000, बिल रिसीवेबल हमारा एसेट्स होता है, ये भी करंट एसेट में जाएगा, तो इसको भी थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं बिल रिसीवेबल 15,000। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट 5 लाख की, इसको ये तो हमारा फिक्स्ड एसेट है जिसको ऊपर लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट, एसेट साइड आ जाएगा 5 लाख। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेंट्री 60,000 की, इसको भी हम करंट एसेट में लिखेंगे, पीआर के नीचे लिख दीजिए इन्वेंट्री 60,000। नेक्स्ट आइटम हमारे पास बिल्स पेबल की 25,000 की, इसको भी हम करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे, लिख दीजिए बिल्स पेबल 25,000। नेक्स्ट आइटम हमारे पास सन्ड्री डेटर्स की 50,000 की, ये भी हमारा एसेट्स है, इसको भी हम लिख देते हैं यहां पर करंट एसेट के नीचे सन्ड्री डेटर्स 50,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000 की, अब इंश्योरेंस प्री पे की हुई है, एक्सपेंसेस एडवांस है, तो ये हमारा क्या है एसेट्स है, इसको भी हम एसेट्स लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000, ये करंट एसेट होता है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000, अब ये अक्रूड इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे, ये भी हमारा एसेट्स है, फ्यूचर में हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो इसको भी एसेट्स लिख दीजिए अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000। नेक्स्ट आइटम हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी की 50,000 की, तो इसको करंट लायबिलिटी में लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी 50,000। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट रिसीव इन एडवांस 25,000, अब एक्सपेंस जो इनकम है अनअर्न्ड इनकम है हमने एडवांस में रिसीव कर ली है, तो अनअर्न्ड इनकम को हम लायबिलिटी मानते हैं, तो इसको भी हम लायबिलिटी साइड शॉर्ट टर्म में लिखेंगे, क्या आ जाएगा अनअर्न्ड रेंट कितना है 25,000। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स 40,000, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है, इसको भी हम करंट लायबिलिटी में लिख देंगे शॉर्ट टर्म लोन्स 40,000। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कैश इन हैंड 50,000, ये हमारा एसेट साइज आ जाएगा करंट एसेट के नीचे कैश इन हैंड 50,000। नेक्स्ट आइटम हमारे पास कैश एट ए बैंक 1,70,000, ये भी हम लिख देंगे 1,70,000, कहां लिखेंगे करंट एसेट के नीचे कैश एट बैंक 1,70,000। लास्ट आइटम हमारे पास द लोन फ्रॉम बैंक रीपेबल विद इन 7 ईयर 2 लाख, 7 ईयर के विद इन देना है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी होगी हमारी, तो इसको हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी के हेड के नीचे बैंक लोन 2 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज रुपीज 70,000, क्योंकि हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। अब जो नेट प्रॉफिट है वो निकाल कर उसने अलग से दे दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो नेट प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे कैपिटल अकाउंट में। सो चलिए करते हैं इसको।
अब लिख लीजिए कैपिटल के नीचे एड नेट प्रॉफिट 70,000, दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल में हमारा अमाउंट आएगा कितना, 10,70,000। तो ये हमारा जो बैलेंसेस थे ट्रायल में से बचे वो हमने डाल दिए हैं, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं, टोटल लगाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो दोनों का इक्वल आना चाहिए, मीन्स लायबिलिटी कैपिटल प्लस करके जो टोटल आया वो एसेट्स का भी सेम आना चाहिए। सो देखिए लायबिलिटी साइड के टोटल हमारे पास है 14,80,000 और एसेट साइड के टोटल भी हमारे पास है 14,80,000। सो हमारा टोटल टैली है तो हमने क्वेश्चन एकदम ठीक कर दिया है। ओके, अब अगर आप चाहते हो इसको लिक्विडिटी बेस करना तो आप उठा के इसको सारे लिक्विड एसेट्स मींस करंट एसेट्स को ऊपर कर दो और नॉन करंट एसेट को नीचे कर दो, करंट लायबिलिटीज को ऊपर कर दो, उसके बाद आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी और लास्ट में आ जाएगा हमारा कैपिटल। ये देखिए आपका जो सारे का सारा बैलेंस शीट एज इट इज ही ऊपर नीचे होके सेम अमाउंट आ गया 14,80,000 दोनों साइड का, ठीक है। सो इतना मुश्किल काम नहीं है बैलेंस शीट बनाने का। आप अगर एसेट्स के हेडिंग भी नहीं लिख पाते हो क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन को गलत नहीं करने वाला, बस ज्यादा से ज्यादा एक मार्क्स काट लेगा, लेकिन वैसे तो काटने बनते भी नहीं है। आपने एसेट साइड एसेट डालने हैं और लायबिलिटी साइड लायबिलिटी डालनी है ओनली, ये बस ध्यान रखना है पूरा। ग्रुप में नहीं भी जाते तो कोई बात नहीं, वो आप नेक्स्ट ईयर में सीख लोगे प्लस टू में ग्रुप में लायबिलिटी या एसेट जाने कैसे हैं। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है इस वीडियो में या फिर किसी और टॉपिक में या फिर हमारी प्रीवियस किसी वीडियो में, आप प्लीज कमेंट कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, आपको क्लियर बहुत ही अच्छे तरीके समझ लग चुका है या कुछ थोड़ा बहुत अभी समझ लगा है तो प्लीज कमेंट में थैंक्स लिख दीजिए या फिर हमें कुछ विश कर दीजिए या हमें कुछ फीडबैक दे दीजिए या अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उससे हमारा क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा, हम और भी ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने में सक्षम होंगे। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।